आईएमसी हमारी जान है, ये हमारी शान है, इस पे जा कुर्बान है। आईएमसी हमारी जान है, इससे तुम सब करना मोहब्बत, ये पुकार हमारी है। सवाल है वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि आईएमसी में अभी तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब कि अभी तक का आपका सफर कैसा रहा है? मेरा आईएमसी में सफर दोस्तों बहुत ही शानदार रहा है। जब मैं आईएमसी बिजनेस में आया तो हालत बहुत खराब हो चुके थे। दो बेटियां थी, उनको अच्छी स्टडी नहीं करा पा रहा था, अपनी वाइफ के सपने पूरे नहीं कर पा रहा था, अपने घर वाले को सपने पूरे नहीं कर पा रहा था। 13 साल नौकरी की मगर सपने नहीं पूरे कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था जिंदगी काट रहा हूँ, बस जिंदगी जी रहा हूँ। कभी कभी सुसाइड करने का भी दिल करता था, ऐसी जिंदगी कहाँ मैं आगे लेकर जाऊँ। बच्चों को देखता था, उनके फ्यूचर के बारे में देखता था, मगर आज आईएमसी बिजनेस मिला है। आईएमसी बिजनेस से पूरे इंडिया में लोग अमनदीप सिंह को जानते हैं। गूगल में कभी भी आप अमनदीप आईएमसी को आप सर्च करना चाहेंगे तो आपको अमनदीप सामने मिल जाएगा दोस्तों। बहुत बढ़िया। और आज पूरे इंडिया में क्या आप खुद के सपने पूरे आए हैं, बच्चे इतने बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, खुद की गाड़ी ले चुका हूँ और आने वाले टाइम में ढेरों सपने पूरे होने वाले हैं आईएमसी बिजनेस। और सबसे बड़ी बात क्या, मैं जब आईएमसी बिजनेस में आया था तो मुझे हिंदी इंग्लिश नहीं बोलनी आती थी जी और उसके कारण क्या होता था कि मैं मीटिंग अच्छी नहीं कर पाता था। और काफी लोगों ने, मेरी टीम के लोगों ने, अदर लोगों ने मेरा मजाक भी बनाया कि अमनदीप को कुछ बोलना नहीं आता, ये लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। मगर दोस्तों मैंने कोई मीटिंग नहीं की, मैं एक एक इंसान को जाकर आईएमसी बिजनेस के बारे में बताता। स्टेज पर बोलना नहीं आता था, आईएमसी में एम्बेसडर स्टार जब बना तो उससे पहले कभी भी मैंने स्टेज पर अपनी मीटिंग नहीं दी, कभी इंटरव्यू नहीं दिया, कभी माइक पे नहीं बोला था। मगर एम्बेसडर स्टार बनने के बाद लगातार मैं अभी 1 साल एज ए मोटिवेशन लीडर बन चुका हूँ। यूट्यूब में मेरा खुद का चैनल चलता है और दूर दूर के लोग मेरे साथ जुड़ते हैं और एक ही बात बोलते हैं कि अमनदीप के साथ ही जुड़ना है, मोटिवेशन लीडर के साथ। क्या बात है दोस्तों, ये बहुत बड़ा एक लेसन है उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि गिर कर उठा नहीं जाता, जो सोचते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते, जो ये सोचते हैं कि हमारी जो कमजोरी है वो हमें सफल नहीं बनने देगी। दोस्तों सबसे बड़ा एग्जाम्पल अमनदीप जी ने आज दिया है कि आप अपनी कमजोरी को कैसे अपना हथियार बना सकते हैं और उसी के बलबूते पर आप अपनी सफलता को हासिल कर सकते हैं, जैसे कि इन्होंने किया। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा जान के आपकी इस चीज के बारे में। और सर अब एक सवाल कि इस कामयाबी के पीछे क्या राज है, मतलब इस कामयाबी का राज जानना चाहेंगे हमारे लिसनर्स। दोस्तों, कामयाबी का राज लगातार काम करना होता है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम जॉब करते हैं, इंडिया में 95% अपनी जॉब से पैसा कमाते हैं। हम लाइफ में 40 से 50 साल जॉब करते हैं, हम 40 से 50 साल में अगर एक दिन भी बात करें कम से कम 10 घंटे काम करते हैं और 10 घंटे एक्टिव रहते हैं। आईएमसी बिजनेस में आकर आप डेली के अगर 10 घंटे एक्टिव होकर काम करेंगे तो आपके सब सपने पूरे हो सकते हैं। 3 साल लगातार नेटवर्क बनाए, जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतनी बड़ी आपकी इनकम होगी, जितनी बड़ी आपकी टीम होगी उतना ज्यादा आप पैसा कमाएंगे, जितने ज्यादा अचीवर होंगे उतने बड़े आपके सपने पूरे होंगे। मैं अक्सर लोगों से बात करता हूँ, लोग बहाना बनाते हैं, सर आज दीपावली है, आज होली है, आज दशहरा है, आज नया साल है, आज क्रिसमस है। दोस्तों मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, दीपावली हो या दशहरा हो, जब जेब में पैसा नहीं होता कोई दीपावली नहीं होती, कोई दशहरा नहीं होता, कोई नया साल नहीं होता, कोई क्रिसमस नहीं होता, कोई बर्थडे नहीं होता। जब आपके पास पैसा आता है तो आपके पास डेली दीपावली होती है, डेली दशहरा होता है, डेली आपका नया साल होता है। जिस दिन भी आप दीपावली मनाना चाहें मना सकते हैं। लगातार काम कर ले आईएमसी में दोस्तों, आपका डेली दशहरा होने वाला है, डेली का हॉलीडे होने वाला है और आज हम लोग डेली की दीपावली एंजॉय करते हैं दोस्तों। बहुत बढ़िया, इन्होंने वही बात बोली कि ना बाप बड़ा ना भैया, भैया सबसे बड़ा रुपया। बहुत अच्छी बात कही कि अगर आपकी जेब में पैसा है तो डेली आप दीपावली मना सकते हैं, मतलब आप डेली कोई ना कोई त्योहार मनाते रहेंगे, सेलिब्रेट करते रहेंगे। लेकिन अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है तो डेफिनेटली दीपावली भी आपके लिए बहुत फीकी पड़ जाती है। यस सर, बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी बातचीत जारी रहेगी अमनदीप जी से, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और ब्रेक के उस पार हम करेंगे इनसे ढेर सारी बातें। तब तक आप बने रहिएगा मेरे साथ ओनली ऑन आईएमसी रेडियो, सब देशी अपनाए देश बचाए। आने के बाद की जिंदगी जो है आपकी, दो जिंदगी है, वो कैसी रही, क्या फर्क आया आपकी जिंदगी में? आईएमसी से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने 2003 में जब मैट्रिक पास की,
मैट्रिक पास करने के बाद मैंने अपने घर वालों से 6 महीने का वक्त मांगा था जी। और मैंने उनको एक बात बोली कि मुझे आप 6 महीने का वक्त दो, मैं एक ऐसा काम करना चाहता हूँ, खुद के सपने पूरे करना चाहता हूँ। मगर ज़्यादातर मेरी जो स्टडी हुई है वो एक गवर्नमेंट स्कूल से हुई थी, मुझे हिंदी इंग्लिश नहीं आती थी। मैंने लाइफ में तकरीबन 8 से 10 जगह काम किया 6 महीने, उस 6 महीने पीरियड में 2 या 3 में तो मुझे कहीं भी अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही थी। जो भी मुझे जॉब देता था वो 10-15 दिन के बाद निकाल देता था, क्योंकि मेरी हिंदी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी। और पंजाबी बोलने वाला इंसान ऑफिस में क्या काम कर सकता है, ना मुझे कंप्यूटर आता था और ना अच्छी एजुकेशन थी। तो मैंने 15 महीने एक हेल्परी की जॉब की, और आप सोच सकते हैं एक इंसान ने घर में अकेला बेटा होता है और वो बेटा कभी पानी का गिलास ना उठाकर देखा हो जिस इंसान ने, उस इंसान ने मजदूरी तक करनी पड़ी। मेरे फादर ने मुझे बोला कि बेटा बहुत टाइम हो चुका है, 6 महीने घर में बहुत गरीबी है, तो आपको कुछ काम करना पड़ेगा। और मदर ने भी बोला कि आपको कुछ काम करना पड़ेगा। तो मेरे फादर ने, जहाँ पर मेरे फादर एक ट्रक ड्राइवर के काम करते थे, उस फैक्ट्री ने मेरे फादर ने मुझे 1200 सैलरी के ऊपर मजदूरी कराने के लिए लगाया। और सारा दिन मैं लोहे की बड़ी बड़ी प्लेट्स हथौड़े से सीधी करता था। और 15 महीने काम करने के बाद सोचा कि बेटा तू तो सारी ज़िंदगी ऐसे निकाल देगा, ना तुम्हारे सपने पूरे होंगे, 1200 सैलरी के बीच में तुम क्या कर सकते हो। तो मैंने दोस्तों 1200 सैलरी को छोड़कर अपने घर वालों को बोला कि आपको महीने का कितना पैसा चाहिए मैं आपको उतना दूंगा, मगर मैं हेल्पर ही नहीं कर सकता, मैं हथौड़ा चलाने के लिए ज़िंदगी में नहीं आया। मेरे भी खुद के सपने हैं, अपनी परिवार के सपने हैं, मैं आपके सपने पूरे करना चाहता हूँ, मुझे आप 3-4 साल का वक्त दो, मैं महीने का आपको कम से कम जितनी अमाउंट चाहिए मैं उतनी दूंगा। मेरे फादर और मदर ने मुझे बोला कि आप महीने का 1000 रुपये घर में दे दोगे तो हमें चल जाएगा, आप जो मर्जी आप लाइफ में करना चाहते कर सकते हैं जी। तो दोस्तों साथ में मैंने वो जॉब छोड़कर कंप्यूटर सीखना स्टार्ट किया। हमारे लुधियाना में काफ़ी बड़ा इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ से मैंने कंप्यूटर की बेसिक स्टार्ट की। इसके बाद डीएनिंग स्टार्ट की, फिर वेब डीएनिंग स्टार्ट की, फिर आईटी का काम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काम सीखना स्टार्ट किया। उसी के साथ साथ घर में पैसे के लिए रात को मैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता, दिन में मैं साइकिल के ऊपर कोरियर सेल करता। और ऐसे करते करते 2007 को जब मेरे कंप्यूटर का डिप्लोमा पूरा हुआ तो मुझे 5000 की सैलरी मिली। और मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, जिंदगी में 5000 रुपये एक साथ मैंने जिंदगी में पहली बार देखा था। जब मैंने 5000 सैलरी ली तो बिलीव नहीं हो पा रहा था कि मुझे 5000 सैलरी मिली है। जब मेरी शादी हुई दोस्तों, 4 दिसंबर 2011 को मेरी शादी हुई, तो मेरी सैलरी 16000 पर मंथ में कमाता था। शादी हुई तो दोस्तों घर में प्रॉब्लमें होने लगी, मेरे फादर को हार्ट अटैक हुआ, हार्ट अटैक डॉक्टर ने 5 लाख के करीब उन्होंने बताया इतना एक्सपेंस लगेगा, मगर मेरे जैसा जॉब करने वाला इंसान 5 लाख कहाँ लगा सकता था। तो मेरे एक छोटे हॉस्पिटल में उनका 50-60 हज़ार में ट्रीटमेंट कराया, तो उनको उनकी हेल्थ थोड़ी ठीक हुई तो रिलैक्स हुए और घर में वो दोबारा वो काम करना स्टार्ट किए। और मेरी शादी के 1 साल बाद मेरी बेटी का जन्म हुआ, वानी का। जब वानी का जन्म हुआ तो घर में हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगे थे, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं था। घर वाली का ऑपरेशन हुआ था, और जब ऑपरेशन हुआ तो आपको पता है कितने पैसे हॉस्पिटल में लगते हैं, तो मेरे पास इतना अच्छा पैसा नहीं था कि मैं उस बेटी को घर पर लेकर आऊँ। मैंने इधर उधर से पैसा पकड़ कर घर पर लेकर आया। जब उनको घर पर लेकर आया और इसके बाद मैंने सोचा कि बेटा तू तो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, अपनी बेटी, तुम्हारी बेटी जन्म हुई है, इसके सपनों के बारे में क्या सोचेगा। दोस्तों मुझे पता था कि मैं 15 से 20 हज़ार से ज़्यादा इनकम नहीं कमा सकता इंडिया में। तो एक बार मेरे दोस्त की मलेशिया से कॉल आई कि अमन भाई बहुत अच्छी जॉब है, मैं होटल में काम करता हूँ, होटल मैनेजमेंट का, यहाँ पर एक लड़की की ज़रूरत है, जेकर आप आना चाहते हो आ सकते हो। वहाँ मुझे 60 हज़ार की जॉब मिली और मैं यहाँ पर 1.5 से 2 लाख रुपये का एक्सपेंस कर मलेशिया गया। 40 से 50 दिन मैंने काम किया वहाँ पर, घर वालों के पास कोई मोबाइल नंबर नहीं था मेरा। तो जैसे मैंने 40 से 50 दिन के बाद घर वालों की याद आई तो मुझे लगा कि एक बार कॉल करूँ, किसी का मोबाइल लेकर मैंने वहाँ से कॉल की। जब कॉल की, जिस पर्सन के लिए मैं, जिस अपने डैड के लिए मैं वहाँ पर आया था, मुझे पता लगा कि उनकी डेथ हुई को 10 दिन हो चुके हैं। और दोस्तों मेरे सब दिमाग नहीं काम कर रहा था एकदम, ये कैसा हुआ। घर वाले से बात हुई तो फादर की क्रिया करनी है, आपके फ़ोन का वेट कर रहे थे, आपका मोबाइल नंबर नहीं था। तो दोस्तों मैंने वहाँ से वापस आकर दोबारा वही जॉब करने लगा। 8 फरवरी 2015 को मेरी बेटी जसमीत का जन्म हुआ, और जब मेरी बेटी जसमीत का जन्म हुआ तो हॉस्पिटल का 50 हज़ार का बिल बना, तो मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था, मैं 50 हज़ार का बिल कैसे पे करूँगा। मैंने अपनी बाइक सेल की, मैंने अपनी गोल्ड की रिंग सेल की, उस बच्ची को अपने घर पर लेकर आया। और मैंने सोचा कि बेटा 13 साल जॉब करने के बाद
तू अपनी बेटी को घर पर नहीं लेकर आ पा रहा, अब हॉस्पिटल में देने के लिए पैसे नहीं है, तू लाइफ में क्या करेगा? बचपन में लाइफ में काफी बड़े सपने थे, घर वालों को लगता था ये बेटा हमारे सपने पूरे करेगा, वाइफ को लगता था ये सपने पूरे करेगा, माँ बाप को लगता था मैं सपने पूरे करेगा, मगर सपने पूरे नहीं हो पा रहे थे। मेरी एक अच्छी बात थी कि मैं हमेशा सीखता रहता था, अच्छी अच्छी बातें सीखता रहता था, कंप्यूटर में कोई भी बुक्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं अमीर लोगों के बारे में बहुत पढ़ता था, और एक बार मैंने टॉप 10 अमीर लोगों की सूची में, हमेशा मैं गूगल में देखता अमीर लोग कौन सा है, उसने कौन सा काम किया वो अमीर बना, क्योंकि मेरे खुद के पास बहुत बड़े ड्रीम थे, तो मैंने ऑल ओवर इंडिया के जो अमीर लोग थे उनके बारे में स्टडी की, मैंने ऑल ओवर वर्ल्ड के अमीर लोगों के बारे में स्टडी की, मगर एक बार मैं ऐसे शख्स के बारे में पढ़ रहा था कि आज से 20-25 साल के बाद उनके पास कुछ नहीं है, मगर आज उनका एक फेम है पूरे इंडिया में, क्या पूरे वर्ल्ड में उनको लोग जानते हैं, उनका फेम बन चुका है, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया इंडिया में आकर कि वो आयुर्वेदिक को इतना आगे लेकर चले, और दोस्तों मैं उनको देखकर अपनी खुद की कंपनी बनाना चाहता था, मैं भी चाहता था कि मेरी भी कंपनी हो, मेरे नीचे ढेरों लोग काम करें, मेरे नीचे स्टाफ हो, तो दोस्तों तकरीबन मुझे आज आईएमसी में 45 महीने हो चुके हैं, इस 45 महीने में मैंने बहुत पैसा कमाया, मैंने बहुत मुश्किलें देखी, मगर आज मेरे सब सपने पूरे हो रहे हैं दोस्तों, आज मेरी लाइफ में एक गाँव का रहने वाला व्यक्ति एक बड़ी सिटी में रहता है, जिस ग्रीन सिटी का नाम मैं लेना चाहता हूँ, मॉडल टाउन में बहुत अच्छे एरिया दोस्तों ग्रीन सिटी, वहां पर मैं 25,000 मंथली इंस्टॉलमेंट पर मैंने घर लिया हुआ है। जो बच्चे एक छोटे स्कूल में पढ़ते थे, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, वो दोनों बच्चे मेरे एक बड़े स्कूल में पढ़ते हैं दोस्तों। मेरा एक सपना था कि पूरा वर्ल्ड घूमना है दोस्तों, आज आईएमसी के कारण मैं 4 कंट्री घूम रहा हूँ, आने वाले टाइम में अपनी फैमिली को पूरा वर्ल्ड घुमाने वाला हूँ। क्या बात है, बहुत ही इमोशनल आपकी स्टोरी रही स्टार्टिंग की, कि कैसे आपने बताया आपका स्टार्टिंग का जीवन रहा, आपने कैसे वो टफ टाइम देखा और आज आप इस मुकाम को हासिल कर चुके हैं जो आप चाहते थे, तो ये सब आईएमसी के कारण हुआ है सर। और मैं भी आईएमसी को थैंक यू कहना चाहता हूँ कि उन्होंने कई लोगों की ऐसी जिंदगी बदल के रख दी है। यस सर। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी बातचीत जारी रहेगी अमनदीप जी से, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, तब तक आप बने रहिएगा मेरे साथ ओनली ऑन आईएमसी रेडियो, स्वदेशी अपनाएं देश बचाएं। अमनदीप सिंह जी, तो सर आईएमसी में रहकर अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, भविष्य की क्या योजनाएं हैं? मैं चाहता हूं कि पूरे इंडिया में एक आईएमसी की लहर चलनी चाहिए दोस्तों, जैसे आईएमसी ने हमारे लाइफ को चेंज किया, ऐसे हर इंसान को आईएमसी अपने सपने पूरे करवा सकती है, और भारत में आईएमसी का एक ही नारा है दोस्तों, स्वदेशी अपनाए देश बचाए। मैं चाहता हूं कि इंडिया में पूरे में स्वदेशी की लहर होनी चाहिए, पूरी इंडिया में आईएमसी बिजनेस की पकड़ होनी चाहिए। मैं अपने हिंदुस्तान के बारे में बहुत कुछ सोचता हूँ, मैंने देखा था कि 1920 को जो डॉलर था वो 1 रुपए का होता था, मगर आज हम बात करते हैं डॉलर की जो प्राइस है वो 70 गुना कैसे हो चुका है, ये इसलिए हो चुका क्योंकि हम बाहर की वही फॉरेन कंपनियों के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, उसी फॉरेन कंपनियों के प्रोडक्ट यूज करने के कारण अब इंडिया में जो डॉलर है वो बहुत अप जा चुका है, 70 गुना ज्यादा डॉलर हो चुका है, और मैं चाहता हूं कि इंडिया में ज्यादा से ज्यादा आईएमसी स्वदेशी के प्रोडक्ट यूज होंगे तो ये डॉलर नीचे आएगा, इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी और लोग अमीर होंगे, इंडिया का नाम होगा। तो दोस्तों मेरा एक ही नारा है, स्वदेशी अपनाए देश बचाएं, हमें स्वदेशी प्रोडक्ट यूज करने चाहिए। मेरा टारगेट, मैं 2019 में सीपी बनकर रहूंगा और साथ में 10 चेयरमैन बनाने वाला हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी टीम में कम से कम 10 चेयरमैन बने, और 2020 में मेरे साथ मैं टॉप 20 लीडरों में मेरा नाम होगा। इस सिस्टम में मैं अभी 12 लाख की गाड़ी खरीदी है, मगर आने वाले टाइम में 2020 में मैं फॉर्च्यूनर गाड़ी लेकर आऊंगा 35 लाख की। दो क्या बात है, बहुत ही अच्छा टारगेट लेके चले, और मुझे उम्मीद है कि आप ये टारगेट अचीव भी कर लेंगे, क्योंकि हमारी बेस्ट विशेज आपके साथ है सर। आईएमसी परिवार आपको बहुत बहुत बधाई देता है पहले आपकी इस अचीवमेंट के लिए। सर इसी के साथ हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहेंगे, दोस्तों आप बने रहिएगा हमारे साथ ओनली ऑन आईएमसी रेडियो, स्वदेशी अपनाएं देश बचाएं। वो आईएमसी में कैसे दाखिल हुए उसके बारे में बताया, और अभी तक का उनका सफर कैसा रहा उसके बारे में उन्होंने हमें अभी तक बता दिया है। सर एक बार फिर से आपका स्वागत है। थैंक यू सर। गुड आईएमसी। गुड आईएमसी। सर मेरा अगला जो आपसे सवाल है वो ये है कि आपका इतना ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है आईएमसी का, तो आप आईएमसी के प्रोडक्ट्स, मीटिंग्स, सेमिनार और सिस्टम के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
दोस्तों मैं आईएमसी के सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आईएमसी में रिजल्ट लेकर आया था। ओके। मुझे 13 साल से इलेक्ट्रिक उटरी की प्रॉब्लम थी, जो स्किन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। बहुत ज्यादा एलोपैथी मेडिसिन खा चुका था, रिलीफ नहीं मिलता, मगर आईएमसी के प्रोडक्ट इतने जबरदस्त थे। आईएमसी का एक ही प्रोडक्ट, अगर आप करोड़पति होना चाहते हैं, एक ही प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, वो है आईएमसी का चिरे तुलसी। मैंने जब ये प्रोडक्ट लेना स्टार्ट किया, 40 दिन में इतनी बड़ी प्रॉब्लम मेरी ठीक हुई इलेक्ट्रिक ऑटरी की। जो 13 साल से प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई थी, वो 99% प्रॉब्लम 40 दिन में ठीक हो गई थी। प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, ऑर्गेनिक सर्टिफाइड हैं। अभी तक कोई भी कंपनी के प्रोडक्ट ऑर्गेनिक सर्टिफाइड नहीं है दोस्तों। और आईएमसी के मीटिंग और सेमिनार के बारे में कुछ बातें बोलना चाहता हूं दोस्तों। जिंदगी में जेकर आप बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, हम बोलते हैं फर्स्ट लर्निंग आफ्टर अर्निंग। हमें पैसा कमाने के लिए सीखना पड़ेगा। हम बातें करते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं, कोई वकील होता है, कोई इंजीनियर होता है, वो सब अपनी 25-25-30 साल स्टडी करने के बाद आते हैं। आईएमसी बिजनेस में जेकर आपने कामयाब होना है, तो आपको मीटिंग सेमिनार डेली अटेंड करने पड़ेंगे। जहां भी आपके घर के पास में सेमिनार हो या मीटिंग हो, उसको आप अटेंड करें। जितना ज्यादा सीखोगे, जितनी ज्यादा एजुकेशन लोगे, उतनी ज्यादा नॉलेज होगी। जितनी ज्यादा नॉलेज होगी, उतना ज्यादा आपका दोस्तों आईएमसी बिजनेस में क्रेज होगा, उतना ज्यादा मोटिवेशन होगा, उतना ही ज्यादा पैसा होगा, उतने बड़े सपने होंगे और अपनी फैमिली के बारे में सपने अचीव करेंगे दोस्तों। और आईएमसी का प्लान दोस्तों बहुत जबरदस्त प्लान है। अभी तक बहुत कंपनियां इंडिया में आई, मगर आईएमसी की इलौती कंपनी है जिसने 11 साल हो चुके हैं और अभी तक प्लान नहीं चेंज किया दोस्तों। और आईएमसी कंपनी से ऊपर कोई भी कंपनी नहीं है। क्या बात है, बहुत बड़ी बातें बताई सर आपने। दोस्तों मैं एक बात अपने शो में हर बार बताता हूँ कि जितने भी सक्सेसफुल लोग आज दिन तक हुए हैं, उनका एक ही फंडा रहा है कि वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहे हैं। यस सर। जमनदीप जी ने बताया कि लर्निंग आफ्टर अर्निंग, मतलब कि कोई भी सफल इंसान कभी ये नहीं कहेगा कि मुझे सब आता है, वो मरते दम तक हमेशा यही कहता है कि मुझे अभी और सीखना है। और यही कारण होता है लिसनर्स कि वो लोग अपनी जिंदगी में सफलता को हासिल कर लेते हैं। दोस्तों लाइफ में सीखते रहे। आपको मैं बताना चाहता हूँ, बहुत लोगों के सपने होते हैं 25 साल 30 साल 40 साल 50 साल, मैं देखूंगा, हमारी एज निकलती रहती है। मगर आपको सलूट करना चाहिए हमारे कंपनी के फाउंडर मिस्टर अशोक बड़े जी को, जिन्होंने अपना सपना देखा, हमारे जैसे गरीब लोगों के बारे में सपना देखा 60 साल की उम्र, जहां पर बंदा बोलता है कि मैं काम छोड़कर सब अपने ऐशो आराम में जिंदगी में लग जाऊं। मगर हमारे फाउंडर मिस्टर अशोक बाड़े जी ने 60 साल की एज में काम करना स्टार्ट किया और आज उनकी एज 71 हो चुकी है दोस्तों। मैं तो उनको देखकर इतना एनर्जी महसूस करता हूँ, इतना मोटिवेट महसूस करता हूँ दोस्तों। 71 ईयर का इंसान अपने सपने पूरे कर रहा है और साथ में गरीब लोगों के, करोड़ों लोगों के सपने पूरे कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि ऐसी कंपनी के साथ जुड़े, ऐसे एक फाउंडर के साथ जुड़े, ऐसे एमडी सत्यन बाड़ी के साथ जुड़े। गुड एमसी सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि डॉक्टर अशोक भाटी जी जिस उम्र में लोग रिटायर होने का सोचते हैं या लोग अक्सर रिटायर हो जाते हैं, तब उन्होंने अपने सपने देखे और उन सपनों को पूरा कर दिखाया। साथ ही साथ उन्होंने इंडिया की जो जनरेशन है, जो लोग हैं, उनको उनके सपने पूरे करने का मौका दिया। मैं भी उनका बहुत बड़ा फैन हूँ सर, बहुत अच्छी बात बताई आपने। भगवान, ज्यादातर मैं बात करता हूँ कि हमने कभी भगवान किसी ने नहीं देखा, हम मूर्तियों में पूजते हैं, हमने देखा है, काम सुनते हैं बहुत बड़ा, मगर दोस्तों इंसान के रूप में अगर भगवान देखा है तो मैंने 3 लोगों के बीच में भगवान देखा है। मेरे फाउंडर अशोक बाड़िया जी, डॉक्टर अशोक बाड़े जी, सत्यन बाड़े जी और मेरे सीनियर मिस्टर कुणाल कामरा जी, मैं तीनों को भगवान की तरह पूछता हूँ, तीनों की भगवान की तरह उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ दोस्तों। और ऐसे ही आपको अपलाइन का भगवान की तरह आप रिस्पेक्ट करो, और फाउंडर अशोक बाड़े जी और सत्यन बाड़े जी को आप भगवान की तरह देखेंगे तो आप बहुत जल्दी आईएमसी में कामयाब हो जाएंगे। मैं भी इन तीनों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन तीनों ने आज कई लोगों को उनके सपने पूरे करने का अवसर प्रदान किया है। सर इसी के साथ जाते जाते मेरा आखिरी सवाल आपसे कि आपकी जो डाउनलाइन है या ऐसे एसोसिएट्स हैं जो कि आपकी तरह सफलता हासिल करना चाहते हैं, आप उन्हें क्या सक्सेस टिप्स या लीडरशिप टिप्स देना चाहेंगे? दोस्तों जिंदगी में वो चीज जो सफल व्यक्ति के पास ही होती है और असफल व्यक्ति के पास नहीं होती। सफल व्यक्ति के पास वो चीज होती है और सफल व्यक्ति सफल हो जाता है, और असफल व्यक्ति के पास वो चीज नहीं होती, वो असफल हो जाता है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ सपनों के बारे में। समझ लेना, जेकर आपके पास सपने नहीं है तो आप जीते जी आत्महत्या कर चुके हो। आपकी लाइफ में जीने का कोई फायदा नहीं है, आप जिंदगी में लाइफ काट रहे हो। जितने भी बिजनेसमैन होते हैं दोस्तों, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन आपने देखे होंगे हिस्ट्री में, देख सकते हैं कि वो प्रॉब्लम को साइड में रखकर काम करते हैं, मगर हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉब्लम को अपने सामने लेकर चलते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है लाइफ में? पैसा। हम बात बोलते हैं कि पैसा जिसके पास, दुनिया उसकी दास, बाकी सब
बकवास। आपके पास पैसा है तो आपके पास सब कुछ है दोस्तों, जेकर पैसा नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है दोस्तों। आपके पास पैसा होगा तो आपकी फैमिली कुछ रहेगी, आपके बच्चे कुछ रहेंगे, आपके पेरेंट्स, आपके भैया, आपकी बहनें कुछ रहेंगी। जेकर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई भी कुछ नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों कि आपके घर में जब पैसा नहीं होता, सबसे बड़ी लड़ाई की झगड़ा या प्रॉब्लम ही पैसे की होती है। जब आपके घर में पैसा आने लगता है कि सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है दोस्तों। और इस बिजनेस में जेकर आपने कामयाब होना है, प्रॉब्लम को साइड में रखकर तो काम करना पड़ेगा दोस्तों, मगर आपको इस बिजनेस से प्यार करना पड़ेगा। हम अपना कोई भी बिजनेस कर लेते हैं मगर उसके साथ हम प्यार नहीं करते दोस्तों। एक बात करना चाहता हूँ, आप प्यार किस चीज से करते हो? आप अपने बच्चों से प्यार करते हो, आप अपनी वाइफ से प्यार करते हो, अपने माँ बाप से प्यार करते हो, आप अपने बहनों से प्यार करते हो, अपने भाई से प्यार करते हो। मगर जैसे आप अपने माँ बाप को प्यार करते हो, जैसे आप बच्चों को प्यार करते हो, जैसे अपनी वाइफ को प्यार करते हो, ऐसे आप IMC बिजनेस में के साथ प्यार कर लेंगे तो IMC बिजनेस आपके सब सपने पूरे कर देगा दोस्तों। गुड MC, बहुत बड़ी बात कही दोस्तों इन्होंने कि जैसे आप अपनी बीवी, अपने बच्चों, अपने माँ बाप को प्यार करते हैं, क्यों? क्योंकि वो आपके एक परिवार का हिस्सा है। वैसे ही आप IMC को अपने परिवार का हिस्सा बनाइए, डेफिनेटली IMC आपको कहां से कहां पहुंचा देगी। क्यों सर, मैंने बिल्कुल सही कहा ना? सही सर, सही। बहुत बढ़िया। तो अमनदीप जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। उम्मीद करता हूँ कि एक बार फिर से आपसे मेरी मुलाकात जरूर होगी। और तब तक के लिए सर धन्यवाद एंड गुड IMC। गुड IMC सर। तो दोस्तों ये थे आज हमारे साथ अमनदीप सिंह जी, जो IMC रेडियो के स्टूडियो में मौजूद थे। इसी के साथ दोस्तों अनीश भी लेता है आज आपसे अलविदा। मिलूंगा आपसे अगले शो में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चटपटी रोमांचिक बातों के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।